इधर अमृतसर में दशहरे के दिन हुए रेल हादसे में पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर को राहत मिली है। मामले की मजिस्ट्रियल जांच में नवजोत सिंह सिद्धू और नवजोत कौर को क्लीन चिट मिली है। 9 अक्टूबर को दशहरे के दिन अमृतसर में हादसा हुआ था जिसमें 61 लोगों की मौत हो गई थी। दशहरा कार्यक्रम में सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर मुख्य अतिथि थी। तो अमृतसर हादसा जिसमें सिद्धू दंपति को क्लीन चिट मिल गई है, मौके से बजाय इसके कि वहां जो लोग थे उनकी मदद करने के मौके से भागने का आरोप सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर पर लगा था। 19 अक्टूबर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दशहरे के दिन ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था और जितने भी लोग वहां दशहरा देखने आए थे वो सब ट्रैक पे ही, रेलवे ट्रैक पर ही खड़े थे, इतनी जगह वहां पर नहीं थी। बावजूद इसके इस तरह का आयोजन किया गया और ये कहा गया कि इस तरह का आयोजन तो यहाँ पर हर साल होता है। अमृतसर में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर अटारी में बने इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर पाकिस्तान से आए सेब और अनार से भरे एक ट्रक की जांच के दौरान कस्टम अधिकारियों ने सोने की प्लेटनुमा 27 ईंटें बरामद की। ये ईंटें सेब और अनार की पेटियों के बीच में छिपा कर लाई गई थी। फिलहाल ट्रक के पाकिस्तानी ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है जो कि उसे भारत की सीमा में डिलीवरी के लिए लेकर आया था। कस्टम की जाँच के बाद ट्रक में मौजूद सेब और अनार की डिलीवरी दी जानी थी। मेहता से बहुत ही गंभीर तरीके से परिवार वालों की बात सुनी। आपको यह बताना जरूरी है कि माननीय मंत्री जी ने पैतृक गांव जाकर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और माननीय विधायक जी ने हम सबों की ओर से, सरकार की ओर से परिवार को जो भी कुछ श्रद्धांजलि और सहानुभूति करता है हम लोगों ने किया। पूरे सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ हमने उस दिवंगत आत्मा को विदा किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल ये निर्देशित किया कि जो जांच होगी और जिसमें सभी की भूमिका जो होगी उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। वो एक अलग विषय है जिस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। जहां तक परिवार का संबंध है, आप सभी जानते हैं कि हमारी पुलिस फोर्स एक संगठित परिवार के रूप में काम करती है और हमारा संबंध जीवनोपरांत रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से और पूरे सरकार की ओर से आश्वासन दिया है कि परिवार एक अभिन्न अंग बनकर रहेगा और इन दोनों बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार का हर्ज नहीं होगा और हम ये चाहेंगे कि ये दोनों बच्चे जो गुणहार हैं, इनकी मां ने ये बताया कि इनके कितने परसेंटेज मार्क्स मिले थे 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में। मैं चाहूंगा, उत्तर प्रदेश पुलिस चाहेगी कि ये दोनों बच्चे अपने लगन से, अपनी निष्ठा से, अपनी पढ़ाई से देश के एक अच्छे नागरिक बने, सच्चे नागरिक बने और उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम ऊपर करें। जिस तरह इनके पिता ने किया है उसी तरह ये दोनों बच्चे भी अपने पढ़ाई से करें। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि सरकार की ओर से 40 लाख रुपये उनके परिवार को मिलेगा और 10 लाख रुपए उनके माता पिता को मिलेगा। आज ये भी निर्णय हुआ कि चूंकि दिवंगत आत्मा के माता पिता नहीं हैं, इसलिए वो 10 लाख रुपए अभी परिवार को जाएगा। इस तरह 50 लाख की राशि परिवार को दी जाएगी। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई के लिए यह भी निर्णय लिया गया कि कुछ बैंक से लोन लिया गया था, उस लोन की राशि भी मुख्यमंत्री जी अपनी ओर से देंगे, सरकार की ओर से देंगे, ताकि बच्चों की शिक्षा अविरल, अब बिना किसी निर्भरता से चलती रहे। साथ ही साथ ये भी निर्णय लिया गया है कि जो भी हमारे तरफ से दी जाती है राशि के अलावा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन, जिसके बारे में पहले ही से अनाउंस कर दिया गया है और परिवार के एक सदस्य को नौकरी, मैं समझता हूं कि वो हम इनके विवेक पर छोड़ देते हैं, दोनों बच्चों के विवेक पर छोड़ देते हैं। मैं समझता हूं कि वो दोनों अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन फिर भी हम उनसे निरंतर संपर्क में रहेंगे और मैंने अपनी ओर से, पुलिस मुखिया होने के नाते अपनी ओर से ये आश्वासन दिया है कि दोनों बच्चों को जो भी इनफॉर्मल वे में जो सहायता दी जाएगी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए
या मेन जॉय के लिए वो मैं संबंधित एसएसपी को निर्देश दूंगा कि उन्हें मिलता रहे। मैं ये भी चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ये भी बताएंगे कि शहीद सुबोध सिंह साहब के लिए उनका जो है एक सपना, जैसे परिवार ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद एक स्कूल बनाने का था, उस संदर्भ में और उस क्षेत्र में उनके नाम से हम क्या कर सकते हैं प्रदेश सरकार की ओर से, माननीय मंत्री जी आपको बताएंगे। कल मैं अब परिवार से मिलने मुख्यमंत्री जी का संदेश लेके आ गया था, तो मुख्यमंत्री जी को मैंने जो बात बताई वहां से आकर, तो उन्होंने इस परिवार ने जिस स्वाभिमान के साथ इतनी बड़ी घटना में अपना धैर्य बनाए रखा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस परिवार को बार बार इसकी इसके लिए उनको प्रशंसा की और उनके वो अपने पिता के ना रहने पे, पति के ना रहने पे, जिस बहादुरी के साथ उन्होंने और ये अपना फर्ज निभाया, तो वही बहादुरी परिवार दिखा रहा है, तो उस बात के लिए पूरे परिवार की प्रशंसा मुख्यमंत्री जी। चर्चा में जब ये विषय आया कि इनके ऊपर कुछ शिक्षा का लोन है और कुछ मकान का लोन है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो दोनों लोन उसको जो करीब 25-30 लाख उसे सरकार की तरफ से चुकाएंगे, अपनी तरफ अपने फंड से उसको चुकाएंगे। माननीय विधायक, स्थानीय विधायक जो साथ में बैठे हैं, उन्होंने चर्चा की कि भाई जो एक रोड है जो जैसा है पुरावली जा रही है, उसका नाम शहीद इंस्पेक्टर साहब के नाम पर रखा जाए, तो तुरंत ये बात मान ली गई और उसके निर्देश दे दिए गए। इसी बीच में एक कॉलेज के नाम उनके नाम पर रखा जाएगा, क्योंकि उनकी बहादुरी और परिवार को ये आश्वासन दिया कि सरकार और इनका परिवार वो एक ही है, और डीजीपी साहब ने बताई दिया है कि इनके बच्चों की ट्रेनिंग भी होगी और 94% नंबर इनके बड़े बेटे के इंटर में आए थे। ये बात सुनकर के मुख्यमंत्री जी बहुत भावुक भी हुए और उन्होंने शाबाशी दी कि आप जो है अपने दम पर भी काफी आगे बढ़ेंगे, ऐसा इनके लिए शुभकामनाएं। चाहूंगा कि शहीद सुबोध सिंह के परिवार के जो बड़े बेटे हैं, जिन पर पूरा परिवार को आगे बढ़ाने का धारमदार है, वो भी अपनी तरफ से कुछ शब्द आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, हमारा पूरा परिवार मिला और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा, सही न्याय मिलेगा और जो भी आरोपी है इस प्रकरण के पीछे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि वो हमारे परिवार के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। श्री प्रताप सिंह, मेरे ख्याल से अब मैं निवेदन यही करूंगा कि परिवारजन जो है वापस एटा जाएंगे और आप लोगों से जो संपर्क हुआ है, अब हम लोग अपना जो है कोशिश करेंगे कि जो भी परिवार के साथ हम लोग अभी अब इसके बाद अलग से कर लीजिए। This is not a fit occasion to speak on investigations of the part. We'll have a detailed discussion on that. I'll hold a press conference to give you the exact information. But have the report, sir. आपने कौन सी रिपोर्ट की बात कही है? और सिस्टम मुलाकात से। थैंक यू। तो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह का परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला, मुख्यमंत्री आवास पर ही मुलाकात हुई। पिछले आधे घंटे से यह मुलाकात चल रही थी, परिवार ने जो भी मांगे की थी वो सभी मांगे मान ली गई हैं। आपको बता दें यहाँ पर 50 लाख का मुआवजा जो इंस्पेक्टर सुबोध को सुबोध के परिवार को दिया जाएगा, साथ ही साथ जो तमाम जो कुछ लोन लिया गया था बच्चों की पढ़ाई के लिए
वो चुकाया जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार चुकाएगी। बच्चों की पढ़ाई का जो खर्च है वो भी उत्तर प्रदेश सरकार ही उठाएगी। मुजफ्फरपुर में हक ए हिंदुस्तान मोर्चा नाम के एक संगठन ने आतंकी मसूद अजहर का सिर कलम करने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। मोर्चे ने यह ऐलान अयोध्या में राम मंदिर बनने के खिलाफ दिए गए जो मसूद अजहर का ऑडियो टेप है उसके विरोध में सामने आया था, उसके विरोध में ये किया है। मोर्चे के सदस्यों ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का पुतला भी जलाया और मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस स्मारक के पास पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी भी की। गुजरात के अमरेली में बीच सड़क पर कई शेर एक साथ देखे गए। इसके बाद सड़क से गुजरने वाले लोग जहां कहीं पर भी थे वो रुक गए। इसमें से किसी की भी सड़क पार करने की हिम्मत नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक एक ही परिवार के 10 शेर आकर सड़क पर बैठ गए और रोड को जाम कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने दूर से ही उनका वीडियो बना लिया।